under the blessing of the requested Padmasar. हिम्मत तो नहीं हो रही उनके बारे में बताने की, तो काफी कुछ उनकी प्रशंसा हो चुकी है जो उन्होंने कार्य किए हैं। वैसे मैं अपना थोड़ा पर्सनल एक दो उदाहरण बताऊंगी। आई ज्वाइन माई कॉलेज इन 1967, तो पहले ही साल जो थ्रोइंग इवेंट होते हैं सभी में पहले दिन शॉर्टपट था जो सिंधु सुमन का रिकॉर्ड 10 साल पुराना था उसका नया रिकॉर्ड किया गया। और मुझे याद है कि मेरे गुरुवर या गायकवाड़ सर सावंत जी वहां पर ग्राउंड पर थे, तो उन्होंने आकर सर को गुस्सा किया, कहते आप क्या अपने अथलीट का आपके पास कोई फोटोग्राफ नहीं रखते हो? अभी उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हमें रिकॉर्ड पेपर में देना है। तो उस समय फोटो कहां किसके पास होता था, तो झट से उन्होंने अपने फोटोग्राफर को बुलाया और एक्शन फोटो लेकर दूसरे दिन, उस दिन दोनों इवेंट हो गए थे, साफेकर का भी इवेंट डिस्कस था उसका भी रिकॉर्ड हुआ था, और उन्होंने दोनों के एक्शन लेके सभी हेडलाइन में और फोटोग्राफ के साथ पूरी जानकारी उन्होंने दी। उसी के साथ आज तक मुझे याद है जो हमारे जितने भी खिलाड़ी होते हैं रिकॉर्ड करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस दिखाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर में जितना ज्यादा हो सके उतना करने की कोशिश करते हैं। और इतना ही नहीं, हमारे जितने भी पुणे के नेशनल इंटरनेशनल, उनको जो छत्रपति अवार्ड मुझे लगता है 20-25 से ज्यादा होंगे मैं में दोनों समय दोनों मिलकर, तो सभी को हर बार उन्होंने एक कैसे कहते हैं ना कि गॉड फादर की जरूरत होती है, मेरिट तो होता है लेकिन फिर भी मेरिट चलता नहीं है आजकल, इवन पहले भी, तो हर बार हर अथलीट को उन्होंने इतनी मदद की रिकॉर्ड के लिए शीर्षक छत्रपति अवार्ड के लिए। और उसी के साथ में जो इंटरनेशनल नेशनल में आते थे उन्हें फाइनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट से जाके फाइट करते कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, इतना अपने महाराष्ट्र इंडिया का नाम किया है, तो 5 लाख रुपीज जो भी इंटरनेशनल का एथलीट होते थे, कविता राउत हो ASI के एथलीट्स, उनके लिए उन्हें हर बार मदद की। ये सभी का अभी आपने सभी की उनकी प्रशंसा सुनी, मैराथन जो हमारे छाजर जी सभी मिलके करते थे डे एंड नाइट उनका होता था मैराथन में, उसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। ही वॉज अ ग्रेट पत्रकार, ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, ग्रेट ऑर्गेनाइजर, मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए बोलने के लिए, उन्होंने इतना सभी के लिए किया। लेकिन उनके लिए मैंने कितने साल से मैं सुन रही हूं कि उनका नाम टॉप पे होता था जीवन गौरव पुरस्कार के लिए, जो हमारे महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं है जितना उनके पास कार्य है इस खेलों का। लेकिन उसका जो हमें दुख हो रहा है उसकी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वो हक था, उन्हें जीवन गौरव बहुत जरूरी मिलना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ हमारी मिनिस्ट्री जानती है कि क्यों उनका नाम आगे पीछे हो जाता था। हमारे बीच जितने भी अभी ऑफिशियल्स हैं, कोचेस हैं, सभी संस्थाओं के हैं, सभी को मेरी रिक्वेस्ट है हम सभी मिलकर एक साथ उनके किए हुए कार्यों को अपनी पुणे डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन को आगे मिलकर बढ़ाएंगे, एकजुट करके काम करेंगे, यही हमारी सावंत जी के लिए श्रद्धांजलि होगी। और हमारी महिलाएं भी हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, सभी को हमें मार्गदर्शन किया, उनकी तरफ से भी हम उनको श्रद्धांजलि करते हैं। थैंक यू।